बाड़िया और ऋषि कपूर का वो गाना याद है आपको, हम तुम एक कमरे में बंद हो। वेल, एक कमरे में तो बंद हो गए हैं अभी राव और अरमान, लेकिन चाबी नहीं खोई है और ना ही ये इश्क मुश्क फरमा रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर आप मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने नहीं वाली है, बता दूं मैं आपको। तुम मेरे माँ और पापा से दूर रहोगी वरना। वरना क्या? ये क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो। पूछ रहा हूँ। हेलो भाई, अभीरा और अरमान के बीच अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। ये दोनों एक कमरे में बंद हो गए हैं। अब ये मत पूछना कि आखिर इतने बड़े घर में एक कमरे में कैसे बंद हो गए। जब से तुम्हें पता चला कि तुम मेरे साथ कमरे में बंद हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? एक्चुअली मैं और अरमान एक कमरे में बंद हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं होना चाहते, एक दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और हम एक कमरे में बंद हो गए हैं। तो जहाँ हमारे झगड़े होते हैं, अब फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है कि यार मुझे बाहर निकलना है इस कमरे से, उसका भी यही थॉट है और मेरा भी यही थॉट। अब कहानी जब आगे बढ़ानी होती है, राइटर ने कुछ ऐसा लिखा है जिसके चलते ये हो गया है। अब इनके पास फोन भी नहीं है, कमरे के अंदर ये दोनों अकेले हैं और हमेशा की तरह लड़ रहे हैं। अबीरा ने अपना दिमाग लगाया और देखिए कैसे दरवाजा खोलने की तरकीबें ढूंढने लग गई। दरवाजा किसी तरह से अपने आप बंद हो जाता है और मेरा फोन भी नहीं है, उसका फोन भी नहीं है, कुछ फोन काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई अंदर लैंडलाइन है कि हम किसी को बुला सके, आवाज दे रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दरवाजे को उसकी हिंज से निकाल दूँ। अब इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे को खुलवाना सेकेंडरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है इन दोनों का लड़ना। वाह 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 वाह, दरवाजा खोलने का क्या नया और इनोवेटिव तरीका है। अरमान को लगता है कि अबीरा की वजह से मम्मी पापा में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वहीं अबीरा का मानना है कि वो मम्मी पापा को मिलाकर ही रहेगी, उन्हें जुदा नहीं होने देगी। अबीरा की वजह से उनके बीच प्रॉब्लम्स आई है तो वो उस प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। क्योंकि मैं माँ और पापा को परेशान नहीं देख सकती, मैं उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर जाए। धीरे धीरे रह के मैं कोशिश करने वाली हूँ कि माँ और पापा एक दूसरे के करीब आए। मेरे पास 3 महीने का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग, तो मुझे बस ऐसा है कि मैं फटाफट कुछ ऐसा करूं और मेरा मकसद यही है इस घर में आने का। अब ये वाला ट्रैक लंबा खिंच रहा है। कहां अभी कुछ दिनों पहले तो ये दिखाया जा रहा था कि अबीरा को प्यार होने लग गया है अरमान से, अब प्यार को भूलकर वापस से उसी पुराने ट्रैक पर आ गए हैं। तो मेरे घर में कितनी चम्मच चीनी कंज्यूम करती हो, इसका कब हिसाब तुम रखती हो? रिसॉर्ट में मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा मैं चाहती हूं, कह रही हूं तुम गोल्टी करो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उनके कहने का मतलब था कि मैं इतनी खुददार हूँ, उसके बावजूद मैंने ऐसा दिखाया कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। तो हाँ, मैं फैमिली को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि मेरा क्या रीजन है यहाँ आने का। वही अरमान की माँ अपने बेटे को इस सगे बेटे से भी बढ़कर मानती है, इसीलिए वो अपने बेटे से एक वादा ले रही है। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि सीरियल की कहानी इस वक्त बहुत बिखरी हुई चल रही है। कौन क्या चाहता है, किसको किससे प्यार है, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। अभी ये वाला ट्रैक शुरू हो जाना चाहिए था कि अरमान और अबीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। हमें इंतजार है सीरियल में खुशियों का, देखना ये होगा कि खुशियाँ कब दस्तक देती है अबीरा और अरमान की जिंदगी में। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।